सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप स्टॉक एप्लीकेशन पे अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब हम अपने अप स्टॉक में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। जो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट करने का। दोस्तों हमें यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पे इनमें से एक को सिलेक्ट करना होता है, या तो हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना होता है, या फिर सैलरी स्लिप को सिलेक्ट करना होता है, या ITR यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। हमें दो ऑप्शन और मिल जाते हैं, हमें इनमें से सभी में से एक को सिलेक्ट करना होता है जो हमें यहाँ पे अपस्टॉक एप्लीकेशन पे अपलोड करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं बैंक स्टेटमेंट, तो यहाँ पे जो भी बैंक स्टेटमेंट को हम अपलोड करते हैं यहाँ पे वो 6 मंथ की होनी चाहिए। हमें 6 मंथ की स्टेटमेंट निकाल के यहाँ पे सेंड करना होता है। जो भी यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है अपस्टॉक भी इसी को कर रहा है, और यहाँ पे जो भी मोस्टली लोग अपलोड करते हैं यहाँ पे बैंक की स्टेटमेंट ही अपलोड करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे अपने बैंक से उसको इजिली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने दोस्तों कैसे अपलोड करनी और कैसे निकालनी, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे दोस्तों आप इस सेगमेंट को एक्टिवेट करते हैं तो हमें यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाते हैं। अब हम यहाँ से पीछे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पे जाना होगा माई अकाउंट के ऑप्शन पे। हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमें एक ऑप्शन मिला हुआ है ट्रेडिंग सेगमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन होगा इस तरह का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे, तो हम एक्टिवेट सेगमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, हमें यहाँ पे एक को सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बैंक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बैंक सिलेक्ट करने का, हम अपना बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करेंगे इसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने दो ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑटोमेटिकली फेंच। यहाँ पे अगर आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आपके जो भी बैंक की स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा ऑनलाइन। और नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है अपलोड मैनुअली, तो आपने यहाँ पे अपलोड करनी होती है मैनुअली। तो यहाँ पे मैनुअली का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे जो भी आपने अपने बैंक की स्टेटमेंट को निकाला हुआ है वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी होती है। मतलब आपने अपने बैंक की स्टेटमेंट या तो आप अपने बैंक से ले सकते हैं, आपने अपने बैंक में जाना है और वहाँ पे आपने अपने बैंक की पूरी स्टेटमेंट निकालनी है 6 मंथ की, और उसके बाद उसको आपने अपने मोबाइल में रखना है, और जो भी आपके बैंक की स्टेटमेंट है उसको PDF फॉर्म में निकाल के यहाँ पे आप कंटिन्यू के जैसे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड का। तो आपने यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे जाना होगा। अपलोड के ऑप्शन पे जाने के बाद आपने जो भी आपकी बैंक की स्टेटमेंट है उसको सिलेक्ट करना होगा। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा चेक प्रूफ के ऑप्शन, हमें यहाँ पे चेक कर लेना है। इसके बाद हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जो भी हमारे बैंक की स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सेंड हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ से पीछे जाएंगे, आप यहाँ पे देख रहे ऊपर हमें ऑप्शन मिला हुआ है ऑटोमेटिकली फेच का, तो हम इस पर अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास दोबारा से कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे हमें अपने बैंक से स्टेटमेंट को निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे कलेक्ट करेगा ऑनलाइन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 3 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट करने होंगे। सिलेक्ट अकाउंट यू वांट टू शेयर, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी हमने यहाँ पे अकाउंट अपना डाला हुआ है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद OTP आएगा, उसके बाद अप्रूवल डाटा के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिला हुआ है लॉगिन टू 1 मनी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे नंबर पर एक OTP आएगा, तो OTP को हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो जैसे हम OTP यहाँ पे फिल करेंगे लॉगिन के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे जो भी हमारा बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे सिलेक्ट करने को बोलेगा, हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और जैसे हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमें वेरीफाई अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू टू अप्रूवल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे दोस्तों हम यहाँ पे कंटिन्यू अप्रूवल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अप्रूवल डाटा शेयरिंग, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको इसको अप्रूवल देना होगा। जो भी आपका यहाँ पे 6 मंथ का डाटा है उसको यहाँ पे ये शेयर कर देगा, तो आपने इसको अप्रूवल देना होगा। यहाँ पे आपका देख रहे हैं आप 6 मंथ का जो भी डाटा होगा, जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी उसको यहाँ पे शेयर करेगा। इसके बाद हम यहाँ पे अप्रूवल डाटा शेयरिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख रहे हैं आपने थोड़ा वेट कर लेना है। रिडायरेक्ट नो के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे
तो आपकी जो भी यहाँ पे बैंक की स्टेटमेंट है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों इसको वेरीफाई करने के बाद जो भी आपकी बैंक की स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेगा और यहाँ पे जो भी आपको अप्रूवल है वो मिल जाएगा 72 से 24 घंटे के अंदर अंदर। तो इस तरह से यहाँ पे आप अपने बैंक की स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स करना, चैनल पर नहीं है तो यार सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारे आने वाले और भी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।